एनडीए ज्वाइन करना हर उन स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की वर्दी पहनना चाहते हैं। क्योंकि जिस समय आप ये सोच रहे होते हो कि बीटेक करें या डिग्री करें, उस समय एनडीए के कैडेट एक ऑफिसर बन चुके होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनडीए के बाद जब कोई ऑफिसर बनते हैं तो उन ऑफिसर्स की रैंक को कैसे पहचानें, और साथ ही इन ऑफिसर्स की कौन कौन सी रैंक होती है, यानी यदि आप आर्मी ऑफिसर हैं तो कौन कौन सी रैंक होगी, नेवी ऑफिसर हैं तो कौन सी रैंक होगी, या एयरफोर्स ऑफिसर हैं तो आपकी कौन सी रैंक होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप एनडीए ज्वाइन करते हैं तो आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है, और इस दौरान आपको कोई भी रैंक नहीं मिलती है, बस आप एक कैंडिडेट से एनडीए कैडेट बनते हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एनडीए की 3 वर्ष की सम्मिलित ट्रेनिंग के बाद 1 वर्ष की विशेष ट्रेनिंग होती है, जिसमें आर्मी वाले कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं, नेवी वाले कैडेट्स इंडियन नेवल एकेडमी में जाते हैं, और एयरफोर्स वाले कैडेट्स इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं, और इस दौरान भी इन्हें कोई रैंक नहीं मिलती है। तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इन्हें रैंक कब मिलती है। तो दोस्तों, जब आप एनडीए में 3 साल के ट्रेनिंग के बाद 1 साल की विशेष ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको किसी भी रैंक पर नियुक्त किया जाता है। यानी जो कैडेट आईएमए से 1 साल की विशेष ट्रेनिंग करके आर्मी ऑफिसर बनते हैं उनकी अलग रैंक होती है, जो आईएनए से विशेष ट्रेनिंग करके नेवी ऑफिसर बनते हैं उनकी अलग रैंक होती है, और जो एएफए से विशेष ट्रेनिंग करके एयरफोर्स ऑफिसर बनते हैं उनकी अलग रैंक होती है। इन तीनों सेवाओं के ऑफिसर की सभी पदों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आर्मी ऑफिसर्स के रैंक से। तो सबसे पहले इन्हें लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है। लेफ्टिनेंट के शोल्डर पे 2 5-pointed stars लगे होते हैं, जो इनकी पहचान होती है, और यह 9th highest कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं, जिन्हें वाईओ यानी यंग ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। फिर 2 साल की सर्विस के बाद लेफ्टिनेंट को कैप्टन के रैंक पर नियुक्त किया जाता है। कैप्टन के शोल्डर पर 3 5-pointed stars लगे होते हैं, जो इनकी पहचान होती है, और यह 8th highest कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं। और जब ये 6 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो इन्हें मेजर की रैंक मिलती है। मेजर के कंधों पर एक अशोक स्तंभ लगा होता है, जो इनकी पहचान होती है, और यह 7th highest कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं। दोस्तों, अगला जो रैंक है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल, और इस रैंक को हासिल करने के लिए आपको 13 साल की सर्विस करनी अनिवार्य होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल के कंधों पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार होता है, जो इनकी पहचान होती है, और यह इंडियन आर्मी में 6th highest कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं। दोस्तों, ये जितने भी रैंक हैं ये टाइम स्केल रैंक हैं, यानी एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद आपको यह रैंक मिलती है। आगे जो रैंक के बारे में हम बात करेंगे वह सब सेलेक्शन ग्रेड रैंक में आते हैं, यानी आपकी मेरिट और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जैसी चीज़ों को देखकर हायर रैंक में प्रमोशन मिलती है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद जो रैंक आता है वह है कर्नल का रैंक, और इसके लिए मिनिमम 15 साल की सर्विस अनिवार्य होती है अगर आप सेलेक्शन ग्रेड के माध्यम से प्रमोशन लेते हैं तो। और अगर आप सेलेक्शन ग्रेड के तहत 15 साल के बाद कर्नल नहीं बन पाते हैं तो आप टाइम स्केल के तहत 26 साल के सर्विस कंप्लीट करने के बाद कर्नल बन सकते हैं। कर्नल के कंधों पर एक अशोक स्तंभ और 2 stars लगे होते हैं, जो इनकी पहचान होती है, और यह 5th highest कमीशन ऑफिसर रैंक होते हैं। इसके बाद जो रैंक आता है वो है ब्रिगेडियर का रैंक, और दोस्तों यह भी सेलेक्शन ग्रेड रैंक होता है, जो 25 साल की सर्विस के बाद ही मिलती है। ब्रिगेडियर के कंधों पर एक अशोक स्तंभ और 3 stars लगे होते हैं, जो इनकी पहचान होती है। ब्रिगेडियर एक 1 star रैंक होते हैं, जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है, और यह 4th highest कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं। अब बात करते हैं मेजर जनरल रैंक के बारे में।
तो यह एक सेलेक्शन ग्रेड रैंक है जो 28 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद आपको प्राप्त होता है। इसकी पहचान कंधों पर लगे एक 5-pointed स्टार और एक क्रॉस बैडन एंड स्वॉर्ड से होती है। मेजर जनरल एक 2-star रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है और यह इंडियन आर्मी में 3rd highest कमीशन ऑफिसर रैंक होते हैं। इसके बाद का जो रैंक है वो है लेफ्टिनेंट जनरल, जो 32 साल की सर्विस के बाद ही सिलेक्शन के आधार पर आपको मिलती है। इनके कंधों पर एक अशोक स्तंभ और एक क्रॉस बैडन एंड स्वॉर्ड लगा होता है जो इनकी पहचान होती है। लेफ्टिनेंट जनरल एक 3-star रैंक होते हैं जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है और यह इंडियन आर्मी में 2nd highest कमीशन ऑफिसर रैंक होते हैं। दोस्तों, इसके बाद का जो रैंक है वो इंडियन आर्मी में सबसे हाईएस्ट रैंक है जिसे हम जनरल के रैंक से जानते हैं और यह सिलेक्शन ग्रेड के आधार पर ही होता है। इनके कंधों पर एक नेशनल एम्बलम, एक 5-pointed स्टार और एक क्रॉस बैडन एंड स्वॉर्ड लगा होता है और यह 4th star रैंक होते हैं जिसे कॉलर पर लगाया जाता है। दोस्तों, इसमें मैंने इनके सैलरी और कार्यों के बारे में नहीं बताया है, इसके लिए अलग से वीडियो आएगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं नेवी ऑफिसर्स के रैंक के बारे में। तो INA में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद इन्हें सब लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है। सब लेफ्टिनेंट के कंधों पर एक गोल्डन कलर की स्ट्रिप होती है और उसके ऊपर एक लूप होता है और यही इनकी पहचान होती है। फिर 2 साल की सर्विस के बाद सब लेफ्टिनेंट को लेफ्टिनेंट के रैंक पर नियुक्त किया जाता है। लेफ्टिनेंट के शोल्डर पर 2 same size के गोल्डन स्ट्रिप होते हैं जिसमें ऊपर वाले स्ट्रिप में एक लूप होता है और यही इनकी पहचान होती है। और जब ये 6 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो इन्हें लेफ्टिनेंट कमांडर की रैंक मिलती है। लेफ्टिनेंट कमांडर के कंधों पर 3 golden स्ट्रिप होते हैं जिसमें बीच वाली स्ट्रिप थोड़ी पतली होती है और ऊपर वाली स्ट्रिप घुमावदार होती है और यही इनकी रैंक की पहचान है। दोस्तों, अगला जो रैंक है वो है कमांडर का और इस रैंक तक पहुंचने के लिए आपको 13 साल की सर्विस देनी अनिवार्य होती है। कमांडर की पहचान इनके कंधों पर लगे 3 golden कलर की स्ट्रिप से होती है जिसमें सभी स्ट्रिप एक समान होती है और ऊपर वाली स्ट्रिप में एक लूप होता है यानी घुमावदार होता है। दोस्तों, ये जितने भी रैंक थे ये टाइम स्केल रैंक थे, यानी एक निश्चित समय के बाद ही आपको ये रैंक मिलते हैं। लेकिन इसके बाद के जो रैंक होंगे वो सिलेक्शन ग्रेड रैंक में आते हैं, यानी इसमें मेरिट, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जैसी चीज़ों को देखकर आपको हायर रैंक में प्रमोशन मिलती है। दोस्तों, यानी सिलेक्शन ग्रेड के आधार पर मिनिमम 15 साल की सर्विस के बाद ही कमांडर कैप्टन बन जाते हैं, लेकिन टाइम स्केल के आधार पर 26 साल की सर्विस के बाद ही आप कैप्टन बन पाएंगे। कैप्टन की पहचान यह है कि इनके कंधों पर 4 same size की गोल्डन स्ट्रिप होती है जिसमें सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप में एक लूप होता है। कैप्टन के बाद जो रैंक आता है वो है कॉमोडोर रैंक और इस पद को सिलेक्शन के आधार पर प्राप्त किया जाता है। इसकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक चौड़ी गोल्डन स्ट्रिप से होती है जिसके ऊपर एक लूप होता है। कॉमोडोर 1-star रैंक होते हैं जो इनके कॉलर पे लगाया जाता है। इसके बाद जो रैंक आता है वो है रियर एडमायरल और ये भी एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक है। इनके कंधों पे एक अशोक स्तंभ, 2 star और एक क्रॉस बैडन एंड स्वॉर्ड लगा होता है जो इनकी पहचान होती है और ये 2-star ऑफिसर होते हैं जो इनकी यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। रियर एडमायरल से जो ऊपर का पोस्ट होता है वो है वाइस एडमायरल। वाइस एडमायरल एक 3-star ऑफिसर होते हैं और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक अशोक स्तंभ, एक क्रॉस बैडन एंड स्वॉर्ड और 3-star से होती है। इसके बाद का जो पद है वो इंडियन नेवी में सबसे ऊंचा पद है जो कि एडमायरल का है। एडमायरल के कंधों पर एक अशोक स्तंभ, एक क्रॉस बैडन एंड स्वॉर्ड और 4 star लगे होते हैं जिससे इनकी पहचान होती है और यह एक 4-star रैंक है जो इनके यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके ऊपर भी एक पद होती है जो किसी के सम्मान में दिया जाता है और वो है एडमायरल ऑफ द फ्लीट।
इनके कंधों पे गोल्डन कलर की 5 स्ट्रिप होती है, जिसमें नीचे वाली स्ट्रिप सबसे चौड़ी होती है और ऊपर वाली स्ट्रिप पे एक लूप होता है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के रैंक के बारे में। तो AFA में 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद ये फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर के कंधों पर एक पट्टी लगी होती है जो काले और नीले रंग की होती है, जो इनकी पहचान होती है। फिर 2 साल की सर्विस के बाद फ्लाइंग ऑफिसर को फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के रैंक पर नियुक्त किया जाता है। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के शोल्डर पर काले और नीले रंग की 2 स्ट्रिप लगी होती है जो एक समान होती है और यही इनकी पहचान होती है। और जब ये 6 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो इन्हें स्क्वाड्रन लीडर की रैंक मिलती है। स्क्वाड्रन लीडर के कंधों पर ब्लैक और ब्लू कलर की 3 स्ट्रिप होती है। इसमें बीच वाली स्ट्रिप थोड़ी पतली होती है और यही इनकी पहचान होती है। दोस्तों अगला जो रैंक है वो है विंग कमांडर का, और इस रैंक तक पहुंचने के लिए आपको 13 साल की सर्विस देनी अनिवार्य होती है। विंग कमांडर की पहचान इनके कंधों पर लगे काले और नीले रंग की 3 पट्टियों से होती है और ये तीनों एक समान होती है, जो इनकी पहचान होती है। दोस्तों इसके बाद के जो रैंक हैं वो सेलेक्शन ग्रेड रैंक होंगे, यानी सेलेक्शन ग्रेड के आधार पर मिनिमम 15 साल की सर्विस के बाद ही विंग कमांडर ग्रुप कैप्टन बनते हैं। ग्रुप कैप्टन के कंधों पर काले और नीले रंग की 4 पट्टियां होती है, जो एक समान होती है और यही इनकी पहचान होती है। ग्रुप कैप्टन के बाद जो रैंक आता है वो है एयर कमोडोर, जो सेलेक्शन के आधार पर प्राप्त किया जाता है। इसकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक काले और नीले रंग की मोटी पट्टी से होती है और यह 1 स्टार रैंक होते हैं। इसके बाद जो रैंक आता है वो है एयर वाइस मार्शल का रैंक। इनके कंधों पर 2 काले और नीले रंग की पट्टी मौजूद होती है, जिसमें नीचे वाली पट्टी मोटी और ऊपर वाली पट्टी पतली होती है और यही इनकी पहचान होती है। ये 2 स्टार रैंक होते हैं। इससे ऊपर का जो रैंक होता है वो है एयर मार्शल। एयर मार्शल के कंधों पे ब्लैक और ब्लू कलर की 3 स्ट्रिप होती है, जिसमें सबसे नीचे वाले स्ट्रिप थोड़ी चौड़ी होती है और यही इनकी पहचान होती है। एयर मार्शल एक 3 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं। इससे जो ऊपर वाली पद होती है वो है एयर चीफ मार्शल, और इनकी जो पहचान होती है वो इनके कंधों पे लगे 4 काली और नीली रंग की स्ट्रिप होती है, जिसमें नीचे वाली स्ट्रिप सबसे चौड़ी होती है और ये 4 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं। इससे ऊपर भी एक पद होती है जो कि किसी के सम्मान में दिया जाता है, वो है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इनके कंधों पर 5 काली और नीले रंग की स्ट्रिप होती है, जिसमें सबसे नीचे वाली स्ट्रिप चौड़ी होती है और ये 5 स्टार रैंक होते हैं, जो इनके यूनिफॉर्म के कॉलर पे लगाया जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको सभी ऑफिसर्स के रैंक के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा और इनके कंधों के पट्टी से इन्हें पहचान भी सकेंगे। दोस्तों अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।